एक फॉर्मल एंड है हमारे ट्रैक का. टोटल डिस्टेंस मेरा जो स्ट्रावा है वो दिखाता है 8.7 किलोमीटर. भूटनीज लोग ऑफरिंग्स के लिए जा रहे हैं. हेलो, गलत रूट है ये जो जो आवाज आ रही है, लोगों के आने वालों के, जाने वालों के नहीं है. ये वो स्पॉट है जहाँ तक आपको घोड़े पे ये लोग छोड़ देंगे. 600 रुपये में ये वन साइड चार्ज करते हैं इस जगह तक. नमस्कार, स्वागत है आपका एपिसोड 17 में. टाइगर्स नेस्ट हाई का फाइनल पार्ट है ये, और हम हैं इस वक्त पारो भूटान में. बोल रही थी जब रिंग पहुँचे गुरु पद्म संभव, जिस एक्चुअल रूप में लाइन के ऊपर बैठ करके यहाँ आए थे, उनकी शक्ल इस पहाड़ी पे दिखती है. तो शायद सही एंगल से नज़र आती हो, तो वह सही एंगल बताया गया कि जहाँ पर बना है रेस्ट हाउस, वहाँ जा कर के देखेंगे तो वो दिखेगा. एक फ़ोटो में दिखाया भी गया है पूरा पहाड़, ऊपर जो पेड़ है वो उनके सर है, सर के ऊपर जो बाल या मुकुट है वैसा है, और बाकी नीचे आँखें और मुंह और वो बड़े दांत, वो सब यहाँ दिख रहे थे. एक बार देखना बनता है. ऊपर ग्रीन या कार्बन एक्टिव कंट्री नहीं कहा जाता, या बहुत ग्रीनरी है और वो विजिबल है यहाँ पर. हो गया है डिफिकल्ट वाला पार्ट, मतलब क्लाइम स्टेयर्स वाला पार्ट. जाते हुए डाउन क्लाइम था, अप क्लाइम था, आते हुए डाउन एंड अप. सो ओवर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ प्लेन पैसेज, इनफ वाइड, इवन यू कैन राइड अ मोटरसाइकिल हियर. और भूटनीज लोग ऑफरिंग्स के लिए जा रहे हैं मॉनेस्ट्री में. And some of the people, some of the visitors from different countries, they are going back now. मजेदार ट्रैक है ये, देखो. आसान, just like walking or hiking kind of. आइए विजिट करिए, खूबसूरत जगह है भाई. टाइगर्स नेस्ट, तकसेंग, कुछ भी कहो, आओ जरूर. नहीं आए तो क्या, अगर आप मोनेस्ट्री के अंदर नहीं जाना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये का पास लेने की ज़रूरत नहीं है. आप सिंपल ट्रैक करो और बाहर से बार वापस ले लो. नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो मैं कुछ ऐसे ही करने वाला हूँ, नहीं लूँगा टिकट, वॉक कम बैक, दैट्स इट. वो जनाब पहुँच गए वापस. यहाँ से था हमारा 1.5 to 1.51 किलोमीटर ऑलमोस्ट, और 1.5 डन. ये वो स्पॉट है जहाँ तक आपको घोड़े पे ये लोग छोड़ देंगे. 600 रुपये में ये वन साइड चार्ज करते हैं इस जगह तक का. यहाँ से करीब 1 किलोमीटर है, क्लाइंब है ऑफकोर्स, और प्लेन भी है, मिक्स है दोनों का, तो अच्छा रास्ता है. और वो सामने तत्संग दिख रहा है हम लोगों को, और ये वही जहाँ मैं आपको पहले बता रहा था. सच अ ग्रेट यूज ऑफ वाटर बॉटल्स और प्लास्टिक बॉटल्स आई मस्ट से. सो ये है जगह जहाँ तक घोड़े आपको ड्रॉप कर. तो जब बुद्ध को गया में ज्ञान प्राप्त हुआ ना, और वो वापस निकल के आए, उनके चार शिष्य थे उस वक्त जो उनके साथ चलते थे. उनको लगा था कि राजा का लड़का है, बहुत तेज है चेहरे पे, तो ज़रूर कुछ करेगा. तो वो उनके साथ हो लिए. बाद में साथ रहे तो पता चला कि कुछ भी नहीं बुद्ध करते, ना वो किसी के पास जाते हैं, ना किसी से मिलते हैं, ना कोई प्रवचन देते हैं.
वो तो कुछ भी नहीं करते हैं। तो कुछ टाइम बाद उनको लगा ये झूठे कुछ नहीं कर पाएगा, छोड़ के चल दिए, है ना। तो ऊपर से घूमते फिरते रहते तो अच्छा था, वो जाके गुफा में बैठ गए, कहते मैं अकेला बैठूंगा, ध्यान करूंगा, मुझे यही ज्ञान प्राप्त होगा। उनको लगा ये पागल हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता, चलो छोड़ के निकल जाते हैं। हाँ। निकल गए चार महीने बाद, ये कुछ टाइम बाद जब उनको ज्ञान मिला तो वो निकल के बाहर आए, और उनका दिल हुआ कि मैं सबको बताऊं इस बारे में। जब भी किसी को कोई चीज़ पता चलती है ना, नहीं जैसे कि आप किसी की मोहम्मद प्रॉफिट की बात करो, जीसस क्राइस्ट की बात करो, जब उनको ज्ञान मिलता है तो वो वापस सोसाइटी में आते हैं स्प्रेड करने। सेम थिंग हैपन विद महात्मा बुद्ध दोस्तों, इधर से चलते हैं, ये शॉर्टकट भी अच्छा भी है, स्टीप है लेकिन नहीं नहीं स्टीप नहीं है। आ जा, आई एम टेलिंग यू आई केम फ्रॉम हियर। अच्छा यहाँ बैठ के खाना खाते हैं ना, आई सेट वाज यू सिटिंग हियर, तो लेट्स सिट एंड हैव फूड। कितनी अच्छी जगह है ये, तो यहीं बैठते हैं। आई एम शूटिंग दिस मैन फ्रॉम बिहाइंड गोइंग डाउन हिल ऑन टेसेंट ट्रैक। This man is going on a very fast speed. This is a shortcut for the same track. Hello. हाँ पर अब कैसा है, स्टीप है ना, हम लोग 16 है। अरे बाबू सब लोग नहीं आए इधर, हम 8 ही आए। क्यों? वो सब नीचे बैठे हैं, वो लोग ऊपर चढ़ना नहीं चाहते। एक दो ओल्ड भी है और एक दो साल की भी, दो के साथ और एक कपल है उनके साथ, छोटे बच्चे एक दो जिनको उठा के चलना पड़ेगा ऐसे। जिन सज्जन से मैं अभी मिलने वाला हूँ ये उन्हीं दो लेडीज की फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनके लिए वरीड है क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट टैक्स से वापस आ रहे हैं। आप अपना दोस्त भी मुंबई से ही है? अरे वाह, किसे आ रहा है? अच्छा, मैं शॉर्टकट मार के भागा है, मैं चंडीगढ़ से। डाउन हिल आते हुए मेरी सुपर फास्ट स्पीड होती है हमेशा, और मैं बड़ी तेजी से इस वक्त नीचे की तरफ जा रहा हूँ। आखिर ये कुछ 700 मीटर का डिस्टेंस यहाँ से बाकी है, और मैंने लिया है शॉर्टकट। मुझे शॉर्टकट बहुत पसंद है, लेकिन हमेशा शॉर्टकट आपको सही जगह पर लेकर नहीं जाते। देखिए यहाँ मेरे साथ क्या हुआ। या तो ये आने वाले लोग हैं या जाने वाले लोग हैं, तो गलत रूट है ये जो आ जा रही है, लोगों के आने वालों के लिए, जाने वालों के नहीं है। तो मुझे वापस महीने के बाहर निकलना चाहिए। जी दोस्तों, मैं खो गया, और खोने के बाद कुछ देर भटकने के बाद पहुंचा हूं मैं वापस ट्रैक पर। आखिर के 500 मीटर का डिस्टेंस बाकी है और मैं बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा हूं। आपको याद है एक जगह पर मैंने आपको हाइड्रोलिक पावर के साथ घूमते हुए प्रे व्हील्स दिखाए थे बिल्डिंग के अंदर बने हुए, ये वही जगह है जहाँ इस वक्त मैं पहुँच रहा हूँ, और वहाँ से सिर्फ 300 मीटर का डिस्टेंस होगा स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। तो बड़ी तेज़ी से इस वक्त बढ़ते हुए मैं 300 मीटर वाले स्टॉप पॉइंट तक पहुंच रहा हूं जहां पानी बह रहा है। अगला एपिसोड 18 है, जिसमें मैं आपको वापस थिम्फू लेकर जा रहा हूं इमिग्रेशन ऑफिस पर, जहां पर आपके साथ शेयर करूंगा जानकारी कि किस तरह से आप अपना वीज़ा या परमिट का एक्सटेंशन करा सकते हैं, क्या फॉर्मेलिटी है, कौन कौन से फॉर्म आपको फिल करने हैं, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊँगा पारो छू के बारे में, यानी पारो फेस्टिवल के बारे में, जिसका अब तीसरा दिन है, दो दिन और बाकी हैं। तो देखते रहिए कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया, और बने रहिए मेरे साथ आने वाले भूटान के एपिसोड में। सुन रहे हो, सोच रहे होंगे कोई मंदिर है, कोई बैठा है, वो घंटी बजा रहा होगा, पर नहीं, यहाँ पे एक इनोवेटिव चीज़ है। जो ये जो पानी बहकर आ रहा है, जैसे हम अपने एरिया में पंचक्की लगाते हैं, पानी से घूमने वाली चक्की बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने पंचक्की बनाई है, लेकिन उसमें आटा नहीं पीसते, लोग चक्की नहीं लगाते उसमें, इन्होंने वो जो व्हील है प्रेयर वीर वो उसमें फिक्स कर दिया, और उसके ऊपर जो बेल बंधी होती है हर राउंड के साथ वो बेल बजती है, और तब आपको ये सुनाई पड़ता है। देखिए है ना गवाल, दिन भर प्रेयर हो रहा है, प्रेयर वेल चल रहा है, इट्स अ ऑटोमेटिक सिस्टम, इट्स सो नेचुरल। हम जा भूटानीज़।
लो भाई साहब एक और दूमा आज का शुरुआत में सोच रहा था यार कहीं से मिले तो मुझे दोबारा खाने को अब मिला थैंक्स टू नोबू नोबू आई ड्राइवर जब हम सुबह गए थे तो ये सारी शॉप्स बंद थी और अब जब वापस आए तो सब शॉप रेडी हैं थोड़ा सर्दी ज़्यादा है इस वक्त क्योंकि ऊपर बारिश हुई है और देखिए किस तरह से यहाँ आपको भूटान की बनी हुई हैंडक्राफ्टेड आइटम्स देखने को मिलेगी तो कुछ आइटम्स के बारे में हमने भी जानकारी ली और ख़रीदने की कोशिश की मुझे वो लॉक बहुत पसंद आया जिसपे सरस्वती और गणेश जी की फ़ोटो बनी है पूछ कितने का ले ले कितने का लोगे अच्छा घर के लिए ले जाए कितने का ये चेंज है आपका नहीं सर सदी 600 ये हो गए गणेश जी दरवाजा में काफी अच्छा हैंडमेड है लोकल हैंडमेड हैंडमेड है हां जी कौन पाटा बांध ले जाइए एक दो सौ देख लीजिए अरे तोला बड़ा खड़ा आया है ऐसे कितने का हाँ पैसे में तो दूसरे कैसे 100 का दे रहे हैं हाँ उसके तो रेट बहुत हाई होते हैं एक फॉर्मल एंड है हमारे ट्रैक का टोटल डिस्टेंस मेरा जो स्ट्रावा है वो दिखाता है 8.7 किलोमीटर्स पर साढ़े सात किलोमीटर का डिस्टेंस इसको होना चाहिए ब्रीफ में एक बार सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ सुबह को आपको कैब बुक करना है सबसे सस्ती कैब जो हमें मिली है वो 350 rupees फॉर 2 person 175 ईच अभी हमने वापस उसी कैब ड्राइवर को फ़ोन किया तो वो हमें पिक करने भी आया है सेम रेट में पिक करके ले जाएगा मार्केट में 300 rupees पर पर्सन 400 rupees पर पर्सन का डिमांड होता है हमें साथ में लोकल आदमी के होने का फ़ायदा होगा कैब को हमने फ़ोन किया 7:30 हम निकले और यहाँ पहुँचे तो हमने टिकट लिया टिकट एक बार लगा बहुत महंगा है 500 rupees का टिकट खुद चल के जाओ और वापस 500 rupees भी खर्च करो वर्थ नहीं लग रहा था लेकिन जब हम ऊपर पहुंचे और जिस तरह से हमें उसी 500 rupees के अंदर एक लॉकर दिया गया एक गाइड दी गई जिसने हमें सब चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया तो उसके बाद लगता है कि 500 rupees वर्थ है ऐसा ही कुछ सिस्टम जैसे भूटान गवर्नमेंट यहाँ कर रही है एक फिक्स अमाउंट आप पहले ही टिकट की शेप में ले लीजिए और हर एक को गाइड दे दीजिए ये जो चॉइस है गाइड होना या ना होना ये हटाई दिए जी सबके पास गाइड होना चाहिए कहने को तो हम अपने मॉन्यूमेंट्स को विजिट करके आ चुके होते हैं बहुत बार लेकिन पता उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो एक अच्छा ऑप्शन है ये आना जाना हमने करीब करीब मान के चलिए आते हुए 1.5 घंटा जाते हुए 3 घंटे 4.5-5 घंटे में कवर कर लिया अभी 2 या 2:30 बजे का टाइम है हम जब वापस जा रहे हैं वहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो 100 rupees की चाय जो मैं बता रहा था आपको 100 रुपये की चाय में अनलिमिटेड बिस्किट है और ऐसे ही बाकी खाने भी वहाँ मिलेंगे लंच भी है 300 रुपये में अनलिमिटेड बुफे लगा है जितना मर्जी खाइए और अब हम वापस पहुँच चुके हैं यहाँ का हमें तत्संग और टाइगर्स नेस्ट का ट्रिप कंप्लीट होता है कोई और जानकारी अगर मेरे पास होगी तो मैं शेयर करता रहूँगा आपके साथ धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में जो है पारो फेस्टिवल के बारे में और उसके बाद एक और एपिसोड है जिसमें मैं जानकारी शेयर करूंगा आपके परमिट एक्सटेंशन के बारे में तो साथ जुड़े रहिए बने रहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू सून